कौन हो तुम? प्रीति, तुम यहां क्या कर रही हो? प्रीति, प्रीति, हेलो हेलो दिव्या भैया
अरे मैंने सुना है कि प्रीति का फादर उसकी शादी किसी और से करवा रहा है। So why are you getting stressed in the US? तुम तो जानती हो ना वो कितनी इम्पल्सिव और जिद्दी है। वो कर लेगी शादी और उसके बाद में पछताएगी। So you call her now? अरे I've tried to call her so many times, या मेरा फोन नहीं उठाती है वो। भैया तुम उसको अपने सिस्टम से डिलीट क्यों नहीं कर देते? मेरी बात मान लो, प्रीति की फाइल अब करप्ट हो गई है, बस। तुम प्लीज एक बार जाके मेरी बात करवाओ ना उससे। पिछले 10 महीनों से जब से वो यूएस गए हैं, he's trying to call you almost every day. कम से कम 25 ईमेल्स भेजे हैं। But it's too late ना दिव्या। राहुल का फोन है। कोई डिसीजन लेने से पहले एक बार बात तो कर लो प्लीज मेरे लिए। प्रीति तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मेरे जाने से सब कुछ चलता है क्या? तुमने उन्हें सब बता दिया? सुना है डैड बहुत अपसेट थे। I had to tell him everything. इसीलिए मुझसे इतनी नफरत करती हो ना? मेरे पास और कोई चॉइस थी क्या? इतनी नफरत कि मैं अब तुम्हारी गिनती में भी नहीं रहा। I don't want to talk about it, Rahul. प्रीति प्लीज प्लीज डोंट हैंग अप। प्रीति आर यू देयर? या जस्ट टेल मी वन थिंग, डू यू स्टिल लव मी? आई डोंट नो राहुल, मे बी Maybe not. क्या हम मिल सकते हैं? I think it's all over, Rahul. I'm taking the next flight to India. Don't even think of coming down, Rahul. मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती। Don't say that, Preeti. मर जाऊंगी लेकिन तुमसे नहीं मिलूंगी कभी मैं। Preeti, 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 are you there? Preeti. It's me, Divya. हाँ, Divya. वो अंदर चली गई है। I told you ना, Rahul. Just forget about her. मैं अगली फ्लाइट से इंडिया आ रहा हूं। परसों सुबह 4 बजे लैंड कर रहा है और दिव्या बोल रही थी अपने फ्लैट में ही रहेगा। एक झटके में प्रोग्राम बदल देता है ये लड़का, देखना फिर से वो प्रीति के चक्कर में फंस जाएगा। अच्छा भला यूएस में जॉब का प्लेसमेंट हुआ था। हमेशा उसकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देनी चाहिए। मैं जाकर फ्लैट साफ करवा लेती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं चला जाऊंगा फ्लैट पर। अरे इतनी रात गए कौन आया होगा? मैं देखती हूँ। भाई साहब आप आइए। प्रीति कल से घर नहीं आई है, उसकी शादी पक्की हो गई है, सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। पता नहीं लड़की कहां गायब हो गई है। क्या घर पर कोई झगड़ा हुआ था? तुम्हारे बेटे राहुल का फोन आया था उसके पास, उसी ने उकसाया होगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? तुमको मालूम है ना कि वो यूएस से आ रहा सिर्फ प्रीति से मिलने के लिए। देखो रस्तोगी, मैंने अपने बेटे को कभी नहीं उकसाया कि वो प्रीति को फोन करे। मैं तो यह भी नहीं जानता था कि इनका क्या झगड़ा था या है, बल्कि मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि इन दोनों का एक दूसरे से इतना प्यार है। मेरे यकीन मानो रस्तोगी, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यूएस जाने से पहले राहुल और प्रीति साथ साथ ऑफिस में काम करते थे, बस। और ऐन वक्त पे तुमने राहुल को अमेरिका भेज दिया। डोंट बी सिली, राहुल मेरी मर्जी के खिलाफ अमेरिका गया है। देखो रस्तोगी, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूं, thank you.
इसका ईएमआई कौन भरेगा? ऑब्वियसली मैं भरूंगा, आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? चलिए लाट साहब अपने नए ठिकाने। मैंने कहा था ना, जब ये अपना फ्लैट ले लेगा तब हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा ये। अब वही नींद आएगी इसे। बेटे की तरक्की से खुश होना चाहिए हमें। और आप? अच्छा, तो अब यही दिन मेरे लिए खुश होंगे। नेचुरल डेथ थी, इन्वेस्टिगेशंस तो चलेंगी। डेथ फ्लैट में ही हो गई थी? हाँ। पुलिस को फ्लैट में से कुछ तो मिला होगा? कुछ नहीं मिला। Who could have done this? और तुम्हारा क्या प्लान है, कितने दिन रुकोगे? कुछ नहीं सोचा। और प्रीति के बारे में कुछ पता चला? लगता तो मर्डर गेम था। तब किस हथियार का इस्तेमाल किया गया है समझ में नहीं आ रहा। बॉडी को बहुत बुरी तरह से मरोड़ दिया गया है, जैसे कपड़े को धो कर निचोड़ दिया जाता है, कुछ इस तरह से। हमारी टीम ने आपकी घर की तलाशी ली, जिसमें वहां हमें ये बाल मिले। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि बाल अधेर उमेर की लड़की के हैं। आपके डैडी उस दिन फ्लैट में अकेले गए थे, इसका मतलब है कि खूनी फ्लैट में पहले से ही छुपा हुआ था। मिस्टर राहुल, आपको किसी पे संदेह है? जहां तक मुझे पता है, मेरे फादर की किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं थी। आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं। जी। वो मिस प्रीति आपकी? मेरी गर्लफ्रेंड, मंगेतर है मेरी। उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी हमारे पास उनके फादर ने। कुछ पता चला? मिस्टर राहुल, डोंट वरी, हमें जैसे ही पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आप कुछ पर्सनल इंटरेस्ट ले सके तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल। We will try. Don't worry. Thank you, Inspector Sam. Thank you. You're welcome. Inspector Sam, मैं एक बार अपना फ्लैट देखना चाहता हूँ। Sure.
हॉट कॉफी? डोंट बी अ मीन यार। थैंक यू। अगर मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट देख लूंगी तो क्या हो जाएगा? नो कमेंट्स। कितने अंधविश्वासी हो यार, क्लाइंट रिफ्यूज कर देगा। व्हाट्स स्टूपिड लॉजिक? गुड कॉफी। बाय द वे, कल कुछ लोग घर पे आए थे। कौन? मुझे देखने के लिए। सो व्हाट? सो व्हाट व्हाट? मेरा मतलब है, फिर क्या हुआ? उन्हें मेरे जवाब का इंतजार है। अगर तुम्हें मेरे जवाब का इंतजार है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नॉट राइट नाउ। देन गो टू हेल। प्रीति, प्रीति किसको कॉल कर रही हो तुम? You said you're not interested, right? किसे कॉल कर रही हो तुम? फोन दो मुझे। फोन दो। क्या? राहुल, मेरा फोन दो राहुल। Are you mad? मेरा फोन दो। Are you mad or what? हाँ? किसे कॉल कर रही हो? किसे कॉल कर रही हो तुम? You're not interested. किसे कॉल करना चाहती हो? हाँ? किसे फोन कर रही हो? Anything. अपने डैड को। छोड़ो। करो। Die. Come on, call. I think there's been a mix-up. I'll just be back. Sorry about that. Cartoons? Yes. तुम लोगों को पता है मैंने इस project report के लिए कितनी मेहनत की है? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? किसने cartoon की CD किसने लगाई है? Don't behave like you guys don't know. और मजाक की एक हद होती है। कितनी हद होती है? इतनी. Listen, you. क्या इतनी? Come on, Rahul. Karan, you know how important this presentation is for me. I know, buddy. But you're the best in this business. Okay? Here, go for it. Bye. It's part two.
here. Or kaha? Huh? Biti? Preeti, are you okay? Are you okay? Are you okay? Huh? I'm okay. Why do you drink so much when you can't handle it? I said I'm okay, right? कौन कहता है तुमको इतनी पीने के लिए? I'm going. Preeti. Hey, Preeti, कहाँ जा रही हो? I'm going, Karan. क्या हुआ? Preeti. I just want to leave. Yeah, go. अकेले? क्या हुआ राहुल? Just go with her. तू साथ जाना, please, please. Come on, यार, be a man. मैंने तो घर पे बताया भी नहीं है. पता नहीं क्या सोचते होंगे. ये भी मेरी प्रॉब्लम है क्या? Where are you going now? ये करने जा रहा हूं. कोई प्रॉब्लम है? प्रीति? 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 With you, yeah? तुम्हें क्या लगा? I'm drunk. I just wanted to spend some time with you. Happy birthday. अक्कियों ही अक्कियों में हक्कियों ये काटने दो नींद मेरी उड़ी उड़ी रे चांदनी रोशनी से जिस्म सींच लो My oh my, slow it down boy, cause I'm with you tonight It's all about tonight, it's just you and I, yeah जागती हुई रातों को नींद बख्श दो बेजुबां सी खामोशी को रोज बख्श दो ख्वाहिशों साँसों तो परेशान सादे रोवो दिलगशी हाय दिलगशी हाय दिलगशी Oh,
से तू है मिली पापा, वो फोन की बैटरी रन डाउन हो गई थी और चार्जर नहीं था। वो राहुल का बर्थडे था ना, इसलिए लेट हो गया। बेटा, जस्ट वन थिंग, आई हैव ब्रॉट यू अप जस्ट लाइक माय सन। मैंने तुम्हारी मम्मी से जो प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा फ्रीडम दी है मैंने तुमको। मेरे विश्वास को कभी मत तोड़ना प्रीति, प्लीज डोंट बिट्रे माय ट्रस्ट बेटा। करण, कुछ पता चला क्या? राहुल, क्या हुआ यार, कुछ पता चला? हे राहुल, कौन सा भैया? दैट्स इट। अरे क्या हो रहा है यार, वो न्यूयॉर्क का कौन सा गुड न्यूज? ग्राफिक इंक न्यूयॉर्क हैज लव्ड योर प्रेजेंटेशन। व्हाट, यू गॉट द असाइनमेंट, इट्स योर्स नाउ। क्या हुआ? इट्स एन ओल्ड कट। ओह सॉरी, टू फॉर अनदर लैप। अच्छा सुन, तेरे वो मनाली के प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वर्किंग ऑन इट, कुछ अड़चनें आ रही हैं, बट आई हैव अ प्लान। तुम यहाँ इस वक्त? मैंने तुम्हारा फोन कितनी बार ट्राई किया, मैसेज भी भेजा। सॉरी, साइलेंट पे रहा होगा। That's okay. Actually, मैं तुम्हें अभी फोन करने ही वाला था। What? I wanted to... तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? क्या मालूम पड़ा? That I'm pregnant. What?
आई डिडंट नो दैट। इसलिए तो मैं यहाँ बैग एंड बैगेज के साथ आई हूँ। इनफैक्ट मैंने घर पे पापा को बोला कि मैं पूना जा रही हूँ ऑफिस के काम से, प्राजक्ता क्या रहूंगी। ओ लाइक दैट। एनीवेज प्रीति, मैं भी तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता था। मैं काफी दिनों से अमेरिका में जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। फाइनली आई गॉट माय H1 वीजा। ओह दैट वे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्रीति, हम लोग ठंडे दिमाग से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे यार। हाँ सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना, आफ्टर ऑल प्रॉब्लम जो बन गई हूँ मैं तुम्हारे लाइफ की। प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट प्रीति। यू नो व्हाट राहुल, मैं आज तक सोच रही थी कि मैं अपने पापा को धोखा दे रही हूँ, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि धोखा तो मैं खुद को दे रही थी। तुम हमेशा इतने एक्सट्रीम्स पे क्यों चली जाती हो प्रीति? व्हाट डू यू मीन एक्सट्रीम्स पर? क्या मैंने खुद से ये पहले से प्लान किया हुआ था? क्या मैंने इतनी परफेक्ट टाइमिंग प्लान की थी कि मेरे को यूएस में जॉब मिले और मैं तुमसे छुटकारा पाके निकल जाऊं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इजंट दैट व्हाट यू इंप्लाइड? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि जिसका तुम उसका ये मतलब निकाल रहे हो? प्लीज डोंट शाउट, देयर इज नो नीड टू शाउट। Third March. आज से एक साल के लिए फ्लैट में रहोगे। It's just a formality. You know how my father is. उनको तो ऐसा लगता है कि मुझे ये फ्लैट रेंट पे ही नहीं देना चाहिए। I can understand. Here it is. Hey, तेरी न्यूयॉर्क की फ्लाइट कब की है? कल रात की। All set? All set. Good luck. Thanks a lot, buddy. For your dad. And that's your copy. Thanks. चल, see you, Karan. I'll call you in the evening. इतने कम किराए पर देने से तो बेहतर है खाली पड़ा रहे फ्लैट। डैड करण दोस्त है मेरा। अरे फिर तो भाड़ा ही क्यों ले रहे हो उससे? देखो बेटा एक बात समझ लो, दोस्ती में बिजनेस कभी नहीं फलेगा। ये लो बेटा। थैंक यू। अपना ध्यान रखना। अगर मैंने बहुत सारी नसीहत देकर तुम्हें इरिटेट किया है तो आई एम सॉरी बेटा। डैड,
हेलो प्रीति, राहुल कहाँ हो तुम? सॉरी अबाउट योर डैड। या ओके, लेकिन तुम इतने दिन थी कहाँ? सब परेशान है तुम्हारे लिए। वो सब छोड़ो, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, अभी मिल सकते हो? टाइम क्या हो रहा है? इस 3। तुम मेरे फ्लैट पे क्यों नहीं आ जाती हो? मैं यहीं पे हूँ। नो, तुम्हारे उस फ्लैट पे नहीं, बैरिस्टा। हाउ सून कैन यू बी देयर? हाफ एन आवर। ओके, आई सी यू देयर। सी यू।
अच्छा लगता है।
रिश्ता है उसका भी जवाब देना है। एक बार पूछ लेना उससे। हाँ जी, मैं आज बात करती हूँ उससे। अरे कहाँ थी तुम? जी वो सोई हुई थी। वो सोई हुई थी क्या? बाहर पहाड़ में या बंदर की तरह पेड़ पर? चली जाओ यहाँ से। आज हमारे गांव में शहर से कोई शहरी बाबू आए थे। अरे ये कौन है? ये तो हीरो जैसा लगता है। गुड साइट मनोज, रिजॉर्ट की सारी परमिशंस आ चुकी हैं? जी सर। तुम कह रहे थे कि तहसील में कोई फाइल अटकी हुई है? बस एक बार आप इस तहसील के सरपंच से पर्सनली मिलने तो काम और भी आसान हो जाएगा। लेट्स डू दैट। नीड टू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग सून। जी लेट्स गो। हमें आज मनोज बाबू से जरूरी बात करनी थी। दीदी ने संदेशा भेजा था। मनोज बाबू, मनोज बाबू। चिंटू इधर आ। अरे ए, हेलो हेलो ए, कौन हो तुम? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वो साहब जी, हमारा चिंटू भाग गया। चिंटू कौन? उसका दिमाग थोड़े है ना? उसका दिमाग नहीं है लेकिन तुम्हारा तो है ना? हाँ। तुम्हारा दिमाग है कि नहीं? है। कहाँ? घुटनों में? कितना नुकसान कर दिया तुम्हारे इस खरगोश ने। हम सारे पैसे भर देंगे। हो लगता बहुत रईस हो। हाँ हम सारे पैसे भर देंगे। तुम हो और यहाँ क्या कर रही हो? मनोज बाबू, हम ऑफिस से मिलने आए हैं। दीदी ने संदेशा भेजा है। मनोज, तुम इसे जानते हो? जी सर, इसी गांव में रहती है। वो सरपंच है ना, उन्हीं की बेटी है। ओ बाबूजी, अब तो हमारे चिंटू को वापस दे दो। गीतू, साहब बहुत गुस्से में है, तुम घर जाओ, चिंटू को मैं ले आऊंगा। मनोज बाबू, अब क्या कर रहे हैं इस शहरी बाबू के साथ? ये हमारे करण बाबू हैं, यहाँ होटल बना रहे हैं ना, तो मैं इन्हीं के साथ काम करता हूँ। मनोज, हम इनको इनका खरगोश वापस कर देते हैं। लेकिन हमको क्या फायदा होगा, क्योंकि उसने नुकसान तो बहुत किया। सर, गीतू खाना बहुत अच्छा बनाती है। रियली? तो ठीक है गीतू, तुम एक काम करो, हम दोनों के लिए खाना बना कर ले और अपने क्या नाम है चिंटू को ले जाओ। बिल्कुल नहीं, हम क्या आपके नौकर लगते हैं जो आपके लिए खाना बना कर लाएंगे? बापू गांव के सरपंच है ना, इस वास्ते सब भी उनसे मिलने आते हैं। आज करण बाबू भी आए थे, हमें तो डर ही लग गया था। आप यहाँ किस लिए आए हैं? तुम्हारे पिताजी से मिलने। हम उनसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। किस बारे में? ये हम तुम्हें क्यों बताएं? बाबूजी, आप खमकर राय का पहाड़ बना रहे हैं, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। अच्छा, अरे आइए आइए बेटा। गीतिका ऊपर जाओ। नमस्ते। नमस्ते, आइए जी, आइए आइए बैठिए। आप क्या पियेंगे जनाब? नहीं कुछ नहीं दिग्विजय जी। जी अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कंपनी आपके इस इलाके में काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर चुकी है। इफ़ यू अलाउ, बस आपसे एक दरख्वास्त थी कि कोई रुकावट ना आए, इसलिए सब कुछ स्मूथली हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रगुजार होंगे हम आपके। अगले हफ्ते पंचायत बुलाई जाएगी,
तो उसमें आपका प्रस्ताव रख दिया जाएगा। फिर देखिए जनता का फैसला। दीदी एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर तुम मनोज बाबू से सचमुच प्यार करती हो तो बाबा को बता क्यों नहीं देती? बापू मुझे जान से मार देंगे। तब तो बापू की पसंद से ही ब्याह करना पड़ेगा, चाहे कोई लल्लू प्यक्कड़ हो या फिर कोई बुढ़ा खूसर। हम होती तो ऐसी चुपचाप हाथ पर हाथ धरी नहीं बैठी रहती। आज हमें करण बाबू की बातों से हिम्मत आने लगी। अगर ये भी तुम्हारी दीदी से शादी करने को तैयार है तो फिर प्रॉब्लम क्या है बाबूजी? और क्या बाबूजी, अंग्रेजी में कहावत है, इवन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अंग्रेजी समझती हो? हाँ, हमें भी अंग्रेजी आती है। माय नेम इज गीतिका, गॉड इज ग्रेट और डॉग इज बार्किंग। डॉग इज बार्किंग। अच्छा, अगर सचमुच उसे चाहते हो तो डरना कैसा? क्योंकि मैं दूसरी जात का हूं ना सर। दूसरी जात? इस जमाने में सब नॉनसेंस। अगर सच में हिम्मत है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये वो बहुत अच्छे हैं। आज हमने करण बाबू के साथ खूब सारी बातें की। करण बाबू बहुत अच्छी लगते हैं। सारा इंतजाम कर दिया है, करण बाबू मनोज को लेकर आ जाएंगे। लेकिन बापू, बापू का ब्याह तो हो गया है ना, उन लोगों ने हम लोगों को थोड़ी ना बुलाया था अपने ब्याह में। गीतू तू भी ना पागल है, इतना मजाक अच्छा नहीं। पर तू नहीं समझेगी, अगर बापू को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। मैं हूँ ना, दीदी की शादी मनोज बाबू के साथ पास वाले गांव के मंदिर में हम चोरी छुपके करवाने वाले हैं, करण बाबू की मदद से। बोलो कभी तक आए क्यों नहीं? आ जाएंगे। दूल्हा तो आ गया, तुम लोग तैयार हो? हम तैयार हैं। Good. चलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे क्या कर रहे हो? बहुत होशियारी दिखा दी अपनी, हैं? अपनी खैरियत चाहता है तो अभी अभी यहाँ से निकल जा, वरना तू जानता है तेरा क्या असर होगा आज। तुम दोनों बेशरम, बाकी सब का सारा भी ख्याल है। शादी करने चली थी वो भी नीच जात के साथ। हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बापू इतना नाराज हो जाएंगे।
दीदी बहुत दुखी थी, हमसे भी बात नहीं की। दीदी को देख के हमें बहुत बुरा लगा। ऐसे क्यों जाऊं? मैं सिर्फ तुम लोगों की मदद कर रहा था। हाँ बाबूजी, हमें मालूम है गलती हमारी है, पर अब आप यहाँ से जाओ। नहीं, गलती मेरी है, तुम गांव वालों की मदद करने जो चला था। जाओ बाबूजी यहाँ से, वो मार डालेंगे आपको। जाओ। जाओ बाबूजी, जल्दी जाओ, वो आ रही है। साथ चलोगे? सोचो मत। हमारे जीवन में बहुत कुछ हो गया जो मैं कभी नहीं भूल सकती। दीदी के मरने के बाद हमें जीने की भी इच्छा नहीं थी, बस एक करण बाबू पर हमारा विश्वास था। इतना बड़ा बंगला है बाबूजी? बंगला नहीं, बिल्डिंग, और बिल्डिंग में एक फ्लैट। चलो। शायद इसीलिए करण बाबू के साथ शहर आ गई। इतना ऊपर, इधर से कोई छलांग लगाएगा तो मर जाएगा ना। छलांग लगाने की बात क्यों करती हो? मरी तो जाएगा, उसके चिथड़े भी नहीं मिलेंगे। हम सोच रहे थे कि इतने ऊपर आकर मकान क्यों बनाया होगा। क्योंकि यहाँ से भगवान ज्यादा पास होते हैं, मदद मिल जाती है। अच्छा। ब्याहे बगैर हमें आप छूना भी मत। और छुए बगैर मैं तुम्हें ब्याहूंगा नहीं। ये दिल जाता है भला।
आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं कुछ नहीं। कुछ दिनों के लिए मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। सामान पूरा वैसे है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, लेकिन अगर बहुत जरूरी काम हो तभी, समझी? और हाँ, तुम घर में अकेली हो तो किसी को अंदर नहीं आने देना, शहर के लोग बुरे होते हैं। लेकिन ऐसे ही 3 महीने निकल गए और गांव से तो हमारा मन ही भर गया था। हमें कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हमें अपने चिंटू की याद आती थी। अकेले में हमें डर भी लगता था, लेकिन करण बाबू का इंतजार करते हुए दिन निकल जाता था। अचानक एक दिन हमारे घर में भी कोई आया था। कौन? मैं राहुल का डैडी हूं, वर्मा। करण है? मे आई कम इन? एक मिनट। क्या है? वो वर्मा जी आए हैं। वर्मा जी क्यों आए? एक काम करो, ऊपर अलमारी में एक लिफाफा पड़ा हुआ है, वो उन्हें दे देना। और सुनो, उनसे ज्यादा बात नहीं करना। जी। ओके। हाय। आइए। बैठिए। जी। कुछ लेंगे? नहीं नहीं, इट्स ओके। कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हमें अकेलेपन से सबसे ज्यादा डर लगता था, लेकिन अब तो दीवारों से जैसे बातें करने की आदत सी हो गई है। यहाँ पे तो कोई आता भी नहीं है हमसे मिलने। क्यों नहीं आते? थैंक यू। इन्होंने साफ मना कर दिया है, कहीं बाहर जाना नहीं और किसी को घर पे आने नहीं देना। बोलते हैं शहर के लोग बहुत गंदे होते हैं। क्या करण तुम्हारे पति हैं? हमें गांव से भगा कर लाए थे। आज आपको देखा ना तो हमारे बापू की याद आ गई। एक मिनट, लिफाफा लेकर आती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? सुनो,
मगर उन्होंने एक बात तो सच कही, शहर के लोग बहुत गंदे होते हैं। प्रीति जैसी लड़की के साथ शादी की तुम सोच कैसे सकती हो? क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम? अरे जो लड़की शादी से पहले तुम्हारे साथ रात रात रह जाती है, उस लड़की का कैसा कैरेक्टर होगा? कैरेक्टर कैसा होगा क्या, मैं भी तो सारी सारी रात उसके साथ बिताता हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा होगा? यू बीइंग टू डिफिकल्ट। हेलो हेलो, करण जी है? हुज दिस? गीतिका। गीतिका? गीतिका कौन? उनसे जरूरी बात करनी है। लाओ मेरा फोन दो। ये गीतिका कौन है? I don't know, wrong number हो सकता है। ये तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा ना, wrong number हो सकता है। This is none of your business. It's my business. I am your wife. तुम क्या समझते हो कि मुझे पता नहीं चलेगा? You cheat? Just keep your mouth shut. घर की बहुत याद आ रही है। हेलो माँ। कौन? हम बोल रहे हैं। गीतू? गीतू बेटा, अरे कहाँ पे हो तुम? माँ हम बहुत खुश हैं। तेरे बाबूजी को बाद में बहुत पछतावा हुआ, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है रे पगली, कब आ रही है तू अपनी माँ को मिलने? हम गाँव आएंगे ना आपसे मिलने, बाबूजी को बोलना हम जरूर आएंगे। अब मैं रखती हूँ। गीतिका, 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 शिट, शी इज अबाउट 4 months प्रेग्नेंट, सीवियर डिहाइड्रेशन भी है, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। इम्पॉसिबल, जो भी करना यहीं करना होगा। लेकिन यहाँ आइए बाहर आके बात करते। श्योर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन पेशेंट की इस हालत में और इस स्टेज पर एबॉर्शन बहुत मुश्किल होगा। आई डोंट रिकमेंड इट। आई डोंट हैव अ चॉइस।
I'll pay you whatever you want. देखिए डॉक्टर, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है. But it is too risky at this stage. आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्या? क्या पहले से ही ब्याह हुए थे? मैं तुमसे बाद में बात करूंगा. हमें इतना बड़ा धोखा दिया, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे. तू मुझे माफ नहीं करेगी? माफ तो मैं तेरे बाप को कभी नहीं करूंगा, जिसकी वजह से मेरे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. तुझे हमें इसीलिए उठा के लाया था ताकि तेरे बाप को मैं मजा चखा सकूं. तेरी बहन, उसकी शादी भी मैं इसीलिए मनोज से करवा रहा था ताकि एक बार वो दामाद बनकर तेरे घर चला जाए तो तेरे बाप से मैं अपना काम करवा सकूं. लेकिन सारी किस्मत ही फूटी थी. 7.5 करोड़, पता कितने जीरो होते हैं उसमें? और ये बच्चा किसी हालत में नहीं हो सकता. सॉरी, मैंने आपको कहा था ना, इट्स टू रिस्की. शी इज नो मोर. Thank you.
हे राहुल, हाय। कहाँ है तू? पुणे जा रहा हूँ। तू अभी आ सकता है मुझे मिलने मेरे फ्लैट पे? क्यों, क्या हुआ? Everything all right? कुछ नहीं, मैं अपना फ्लैट बेच रहा हूँ। Okay, I'll be back in 2 days. फिर मिलते हैं। तू आ रहा है कि मैं बेच दूँ किसी और को? नहीं, hang on राहुल, I'm interested in the flat. मैं कुछ देर में पहुँचता हूँ, okay? Just wait for me. अचानक फ्लैट बेचने के बारे में कैसे सोच लिया? ये गीतिका कौन थी? क्यों पूछ रहे हो? वो यहीं रहती थी ना तेरे साथ? Well, sort of. तो तूने क्या उसे sort of मार डाला? पागल हो गया तुम? ये सब किसने कहा तुमसे? उसकी बॉडी कहाँ है करण? What? कैसी बेतु की बातें कर रहे हो राहुल? You gone crazy or what? Thank you.
You don't believe it, right? It was an accident. मैं तुझे खूनी लगता हूँ, हाँ? नहीं ना? मैं तो उसे बचाना चाहता था, राहुल. वो गर्ल किस्मत ही खराब थी. राहुल, you're my friend, right? हाँ? We're friends, राहुल. ये बात हम तक ही रहे तो ये फ्लैट अब तेरा है. राहुल, 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 listen to me. हेलो प्रीति, प्रीति, प्लीज लिसन टू मी प्रीति. देयर इज नथिंग लेफ्ट राहुल. प्रीति, प्रीति तुम कहाँ हो प्रीति? आई डोंट वांट टू मीट यू. आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग प्रीति. टेल मी व्हाट यू वांट. तुम हो कहाँ? आई एम एट होम. मैं आ रहा हूँ.